जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोली जाती है ना, बाबा साहब वहाँ से पढ़ के निकले, वैसे ही दुनिया के सबसे बेस्ट लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले थे। ये जो है ना, ये बच्चों के हॉस्टल हैं। जिस सब्जेक्ट का वो व्यक्ति होता था वो यहाँ आकर यहाँ रहता था और यहाँ आकर यहाँ पढ़ता था। हम लोग है ना जा रहे हैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी देखने, जो भारत में थी। चले जाओ। अभी हमने गूगल पे सर्च किया ना, तो वहां पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जो एरिया है वो नक्सलाइट है, और कंफर्म हमें नहीं पता है। अकेले ट्रैवल ना करें ना, अकेले ट्रैवल अवॉइड करें। इस एरिया में अकेले ट्रैवल करने लायक है नहीं ये जगह, बिल्कुल। तो फीमेल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं हटा रहे, नहीं हटा रहे, हम तो आराम से हटाएंगे। घर देखो बेचारो, कच्चे घर हैं। एंट्री में देखो सुंदर बना हुआ है, रोड अच्छी है। वो भी सिर्फ इसलिए अच्छी हो कि आगे है ना नालंदा यूनिवर्सिटी की साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट। और बुद्धा की ना स्टैचू लगा रखी लोगों ने यार। यहाँ पर देखिए, जो बच्चे देख रहे हैं आप, बेचारे चप्पल में जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जिस एरिया में थे, वहाँ के बच्चों की शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं लग रहा देखकर मुझे तो। इनकी बातों में आ गए ना, तो पार्किंग जो है ना ये 50 रुपये ले लेंगे। हाँ, तो पार्किंग फ्री है यहाँ की। और आगे जो है छोटा सा मार्केट सा बना हुआ है यहाँ पर, और वहाँ से हमें अंदर लेना है एंट्री। घुसते यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे आप कहाँ कहाँ जाना है। हैंग स्वैंग यहाँ पर है ना 2000 साल पहले आए थे, और उनकी किताबों में इसके बारे में दिया हुआ है। वो किताब हमारे वेबसाइट पर जाके आप ले सकते हैं। और हैंग स्वैंग का ये आगे है ना एक टेंपल बना हुआ है। साइड से के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं क्या? बहुत लोग नालंदा के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। कहाँ लोकल बिहार से हो? लोकल बिहार से। क्या चैनल का नाम हुआ मेरा? ब्लॉग। नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, और पता है आपको इस पर लाखों करोड़ों व्यू भी आते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को पता नहीं थी, और ये यहाँ के जो लोकल ब्लॉगर्स हैं ना वो खोद खोद के निकाल रहे हैं। और जहाँ पे ये एंटर लिए है ना, यहाँ ये एक तरह से एक पहाड़ी की तरह दिखता था ये, क्योंकि सब कुछ अंदर दब चुका था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारिपुत्त। सारिपुत्त जो है ना बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्त और महामोगलायन। उनका जन्म और मृत्यु स्थान ये बताया जा रहा था, यहाँ लिखा है। ओरिजिनल गेट नहीं मिला तो सर दीवार काट कर बनाया गया है। अच्छा 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 अच्छा। ये एंट्री मतलब ये फर्जी एंट्री है? इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? जी नहीं, ऊपर जाना नहीं, ऊपर नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं जा सकते यहाँ। अगर देखना हो तो यहाँ पे अंदर क्लासरूम वगैरह आगे चलकर मैं दिखाऊंगा, दिखाएंगे आप। यूनिवर्सिटी में बच्चे रहते भी थे, पढ़ते भी थे, खाते भी थे, और यहाँ टोटली फ्री एजुकेशन थी, फ्री एजुकेशन जो आज भी हमारी सरकार नहीं दे पा रही है, और दे रही तो बहुत रद्दी दे रही है। ये देखो, ये भी एक फर्जी गेट है, असली गेट नहीं है। मुझे लगता है हैंग स्वैंग की किताब में लिखा होगा ना वैसे, तो गेट कहाँ से एंट्री कहाँ से कुछ ये सब नहीं लिखा। एक तो सर लिखा कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर में चौड़ा यूनिवर्सिटी चल रही थी। 10 और 5 किलोमीटर ये 10% का हुआ, बाकी में तो सारे गांव बसे गए हैं सर। एक्चुअली ये है क्लासेस जहाँ होते थे, लेक्चर रूम्स, लेक्चर हॉल्स। ये सारे जो है ना ये क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, क्लासरूम 4, क्लासरूम 5, 6, 7। और ये देख रहे हैं आपको छोटे छोटे डिब्बे। ये जो है ना ये बच्चों के हॉस्टल हैं। जिस सब्जेक्ट का वो व्यक्ति होता था वो यहाँ आकर यहाँ रहता था और यहाँ आकर यहाँ पढ़ता था। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सारे स्टूडेंट होंगे, यहाँ छोटी मोटी लाइब्रेरी होगी, और यहाँ टीचर पढ़ाता था अपने बच्चों को बिठा कर, है ना? मस्त चीज़ थी ना। थोड़ा स्तूपा जो आपको ये दिख रहा है ना, ये स्तूपा ये है, और उसके बाद यहाँ पर टेंपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी थी ना, उसका लेक्चर हॉल के अंदर जा रहे हैं हम, जहाँ पे पढ़ाया जाता था। जैसे आप लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो अपने लेक्चर हॉल में जाते हैं ना, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर आपको पढ़ाते हैं, उस तरीके से। ये देख रहे हो आप, ये आज भी जो है ना ईंटें काली हैं, बाकी मुझे पता नहीं काई भी हो सकती है। नालंदा यूनिवर्सिटी। ये रूम थे क्या हॉस्टल से? ये देखिए, हम हॉस्टल के अंदर हैं। कितना बड़ा रूम है यार, ये 10x10 का रूम होगा। यहाँ पे आराम से एक बेड लग जाएगा, कम से कम 2 स्टूडेंट तो आराम से सो ही सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ भी लोगों ने नाम लिखकर चले गए कि उनको एडमिशन चाहिए ना, हॉस्टल का रूम चाहिए। बताओ यार,
हम लोग सच में विश्व गुरु थे, अब तो सिर्फ बातें होती है, फुकटाई होती है। जितने भी एजुकेशन सिस्टम उन सबको खराब कर दिया गया है, कोई भी एक भी फ्री एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चलता ही नहीं ढंग से। और इस पिलर के ऊपर एक रूफ था तो टूट गया सब। भाई साहब ये लेक्चर हॉल है, इतना बड़ा लेक्चर हॉल। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ रुको। ये देखो ये पूरा जो है ना वो लेक्चर हॉल है, पूरा का पूरा लेक्चर हॉल है। और अभी हम लोग सिर्फ एक छोटे से हिस्से में घूम रहे हैं, ये तो एक लेक्चर रूम है। यहाँ पर 1500 टीचर थे है ना, और 10,000 मॉन्क्स थे जो इस जगह की व्यवस्था करते थे। और जहाँ के स्टूडेंट थे ना वो देश विदेशों से आते थे, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, ईरान, इंडोनेशिया। ईरान तो था, वो था पर्शिया था जब प्रिंस ऑफ पर्शिया भी आए थे क्या, तभी उनके ऊपर गेम बन गया। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी बोली जाती है ना, बाबा साहब वहाँ से पढ़ के निकले हैं, वैसे ही दुनिया के सबसे बेस्ट लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले थे। और वो दिख रहा है आपको, वो सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, वो क्या है वो भी बताता हूँ। देखिए ये असेंबली हॉल है, जैसे आपके स्कूलों में जो है ना टीचर्स यहाँ सारे बच्चे इकट्ठे होकर प्रेयर करते थे। ये नालंदा का मेन तस्वीर है, जो सर आपने टीवी बुक इंटरनेट खोलेंगे तो हर जगह सर इसका फिगर आएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी बना एडी में सर 1600 वर्ष पुराना, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, तो आप लोकल बिहार के ही हैं, मतलब ये नालंदा के ही? हाँ, यहीं के रहे। तो यहाँ पे स्तर कैसा है बच्चों का पढ़ाई का स्तर, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिस जगह पर है? यहाँ पे फ्री एजुकेशन है सर? नहीं है, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर गाइड थे, उनको हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये जो जगह है यार बहुत ही गजब की है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी हम अंदर नहीं जा सकते। और किसी धार्मिक स्थल की अगर ये जगह होती ना तो उनका कब्जा होता यहाँ पे, लेकिन हम अंदर जा ही नहीं सकते। भाई साहब क्या है ये, और ये तो सिर्फ 10% निकला है और हमने तो 1% भी एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। 108 है ना ये? हाँ 108 है, हमने तो एक ही देखा अभी। हाँ बिल्कुल, और देखें 108 पूरे अगल बगल तो इतने सारे विलेजेस हैं, अगर इनको भी खुदाई करके एक्सप्लोर किया जाता तो शायद ये तो मतलब अभी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती। बिल्कुल, ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो मोनेस्ट्री है ना ये 3 मंजिला थी, 1, 2, 3। हाँ, और ये देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको अभी भी बिल्ड कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर ईंटें रख के उस पुराना डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक खास बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी जो आज तक मिली ही नहीं है, और बोला जाता है उसमें 90 लाख किताबें थी। और वो 90 लाख किताबें जब यहाँ पे खिलजी आया था, जिसने इस यूनिवर्सिटी को 3री बार अटैम्प्ट किया था, मतलब इससे पहले 2 लोग और लोगों ने भी अटैम्प्ट किया था, 3री बार जब यहाँ अटैम्प्ट किया गया तब इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया। और लगभग 3 महीने लगे थे उन किताबों को जलने में। रिकॉर्ड कर लो इसको भी। नहीं, ये तुम्हारा कंटेंट नहीं है। ये मेरा कंटेंट नहीं है। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ना यहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी, और वो जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो आज तक नहीं मिला। और अब आप ये सोच रहे हो कि जब वो मिला ही नहीं तो पता कैसे था कि वहाँ 90 लाख किताबें थी। यहाँ पे एक चीनी यात्री आए थे, वो भी यहाँ पढ़ते थे, और उन्होंने अपनी किताबों में उसको मेंशन किया है। जो बुक हमारे tathagat.live पर आपको मिल जाएगी, जाके आप ले सकते हैं, वो हिंदी में भी है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश के शौकीन हैं तो इंग्लिश में भी है। हाँ, बुक्स जरूर लें, पढ़ते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। प्रमोट करने आया था ये। टिकटॉक बैन हो गया क्या? तो भाई मेरा 500 का नोट ये जा रहा है। अरे वापस कर देना, मैं वापस ले जा रहा हूँ बचा के उसको, हमें पूरा चाहिए, कटा हुआ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सामने नालंदा यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने जो है ना एक म्यूजियम है, और मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ खास देखने को मिल सकता है। समस्या ये है कि अभी हमको है ना राजगीर भी जाना है, और है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और राजगीर का सीधा बोध गया, और ये पूरा नक्सलाइट एरिया है।
ऐसा ये बोल रहा था घंटा मैंने कब बोला टिकट लेना पड़ेगा हमको। विष्णु नहीं है ना, लोग बस चार दिमाग लगाते हैं और विष्णु बना देते हैं। बल्कि यहाँ पे हाथ दिखाए हैं, 1, 2, 3, 4 क्या डिटेल्स मूर्ति निकली है यार। ये देखो, ये वो चावल हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी से मिले थे। ये देखो यहाँ भी BSV प्रचार हो रहा है। ढको ढको इनको, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहे हैं आपको जैसे यूनिवर्सिटी में सील हुआ करती थी ना, ये वो है मोहर लगाई जाती थी। ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का लोगो है। काश मैं टी शर्ट पे पहन पाता। जैसे बच्चों की खराब राइटिंग पढ़ने में दिमाग का दही हो जाता होगा टीचर्स का, वैसे ही आर्कियोलॉजिकल वालों का हालत खराब हो गई होगी। एक्चुअली पता ये क्या है, जैसे आजकल स्लेटें होती है ना, वैसे ये है, इस तरह से लिखा जाता होगा। क्या कहते थे इसे, दाम पत्र? हाँ, वो एक जो सिल्वर वाला होता होगा ना, जो तांबे वाला, वो महंगा होता होगा। ये मिट्टी का सस्ता वाला है। मिट्टी का सस्ता वाला है ये हमारे लोगों का। उस दिन की उस समय दाढ़ी कैसे बनाते थे, उस तरह ऐसे ही बनाते थे। ये देखो, तभी बुद्ध भगवान की दाढ़ी नहीं दिखती किसी भी। ये देखो, ये उस तरह है, ये हसिया है, और वो देखो ताला है, ये ताला, ये ताला है, ये लगते थे ना जो उस जमाने। देखो ये सारे स्तूप मिले भाई, इतने एविडेंस नहीं होते ना, मैं बता रहा हूँ। इस साइड को भी जो है ना खत्म कर दिया गया होता, मना कर देते कि ये बुद्धिस्ट साइड नहीं है। ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नालंदा है और बहुत ही शानदार, आप आओ तो यहाँ जरूर आना। इससे पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना पुराना है, ट्रेडिशन कितना पुराना है, और ये रियलिटी है। ब्लैक बुद्धा पहली बार दिखा यार मैंने, व्हाइट टी शर्ट पे ब्लैक बुद्धा, गजब लगेंगे भाई साहब, गजब। अब यहाँ पर है ना, ये जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब बुद्ध की माँ को सपना आया था, उनके पेट में एक व्हाइट हाथी घुस रहा है, वो एग्जैक्टली वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुद्ध का जन्म हो रहा है, जो कि 7 कदम चले हैं। ये नीचे जो है ना छोटे बुद्धा हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना इनको ये 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 समाधि में है, और ये इनको सब लोग परेशान कर रहे। नीचे दिख रहे हैं ये सारे वो हैं भूत, परेशान कर इनका, इनके मन के दोष हैं, कोई कैसे से परेशान कर रहा है। दिमाग की जो होती है ना, हमारा दिमाग एक जगह लग नहीं पाता है, तो वो इस तरह से परेशान किए जा रहे हैं। और यहाँ पे बुद्ध को बुद्धिज्म मिल जाता है, वो दिखाया गया, एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ पे उनका परिनिर्वाण दिखाया गया है। ओ, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा। एक्सक्यूज मी, आर यू ब्लॉगर? यस। YouTube ब्लॉगर? यस। व्हिच कंट्री? सॉरी, फ्रॉम वेयर यू ब्लॉग? एक्चुअली वी आर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। या ओके, व्हाट्स योर चैनल नेम? माय चैनल नेम इज ट्रैवल विद मनन। Travel with Manan. Yes. Okay. Are you blogger? Yeah. Only, are you Buddhist? Yes, I'm Buddhist. Oh, thank you. okay. Please. आप कहाँ से भाई साहब? पता है ये कहाँ है, किस जगह पर आ चुके हम लोग? Hansang का memorial यार। कितनी खुशी, इतनी खुशी मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है मुझे। Hansang, कितनी खुशी। पूरा व्यवस्था करके आते थे पूरी अपनी, ऊपर जो है ना, ये तुम्हारे जैसे बैग, अपन जो बैग टांगते हैं ना, ऐसे वो बैग टांगे हुए हैं छत पे, सर पे मतलब छतरी लगाए हुए हैं ऊपर, कितने डेवलप्ड थे यार ये उस जमाने में, यहाँ से 2000 साल पहले। ट्रैवलर स्कॉलर। ये देखो, ये ऊपर जो है छतरी है, बैग में जो है उनका बैग है, और हाथों में सामान है, और चल रहे हैं। कितने मेहनती व्यक्ति थे यार ये लोग, और इन्होंने किताब लिखी थी। ये ब्लॉगर थे यार, ये बुद्धिस्ट ब्लॉगर थे, उस जमाने के बुद्धिस्ट ब्लॉगर थे, ट्रैवलर थे, स्कॉलर थे, सब कुछ थे। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं इन्हीं की तरह बैग लेकर। और सामने एक मेमोरियल है, Hansang मेमोरियल हॉल। शानदार यार, शानदार, क्या लग रहा है यार, कैसा लग रहा है, विदेश में आ गया हूँ मैं। वाओ, यहाँ पे ना जो है अगरबत्तियां लगती हैं, जैसे विदेशों में लगती हैं, चाइना वाइना में। ये मैंने मन से दिया है, मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा ही होता हो रही, तो इसलिए रखी है। यहाँ बुद्धा नहीं है, यहाँ Hansang ही है। क्या है ये भंडार, ये तो यार जापानीज़ वो
यहाँ क्या नहीं है यार। ओ भाई साहब, तक जितने भी जगह हम गए ना सबसे बेस्ट है। ओ भाई साहब, इन यहाँ से शुरुआत ही चल रही है। नहीं नहीं, फिर ये क्या है? चाइना हैंसांग सिल्क रोड, देखा सिल्क रोड द रूट ऑफ लेटर ऑफ द चांस। ये दो लोग आए हैं। हाँ, दो लोग थे, दो नहीं बहुत सारे लोग आए। ये देखो, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी उस टाइम केवल दो लोग थे जो यहाँ से मिलके फिर यहाँ से ऐसे 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 ये रूट है, इस रूट पे घूमते हुए आए फिर यहाँ से वो यहाँ। लेकिन श्रीलंका से होते वापस गए थे यार वो तो। ये देखिए जो आप बता रहे थे बाहर, ये देखिए बैम्बू का बैकपैक, ये जो बैकपैक है वो जो पुलिस देख रहे हैं वो बैम्बू का था, बैम्बू फ्रेम बैकपैक। क्या बात है, ये सिल्क रूट से आए थे और सबसे पहले उन्होंने यहाँ जाना है अपन को, यानी अफगानिस्तान जाना है हमको, उसके बाद हमको यहाँ जाना है। यहाँ पे देखिए ये ना वो लिख रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, ये जैसे हम ब्लॉगिंग एडिटिंग करते हैं ना वैसे ये लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं। और ये हजारों साल बाद काम आ रहा है, सोचो यार हमारा आएगा क्या, यूट्यूब रहेगा जब तक क्या। यहाँ पे देखिए ये मॉनेस्ट्री पहुँचे हैं, फिर ये पहाड़ी इलाके से आए हैं, फिर यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद इन्होंने भिक्खुओं को बारे में भिक्खुओं को सिखाया है। और देखिए ये आखिरी में बोधगया पहुँच गए। सोचो इतनी दूर से जब ये बोधगया पहुँचे होंगे तो कितना अच्छा फील हुआ होगा इनको यार। बहुत अच्छा फील हुआ था, इनका स्वागत भी बहुत अच्छे से हुआ। इनको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं वहाँ पहुँच गया इतनी दूर से पैदल चल के। बहुत अच्छी चीज़ सोची कि हमें कंटेंट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए और बुद्धिज्म के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। ये जो है ना, इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये बुद्धिस्ट लॉगर थे, लॉग कर रहे थे ना। हाँ, बायोलॉजी लॉगर, मतलब कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे जिस वजह से आज हम जान पा रहे हैं। और हम लोग हैं ब्लॉगर, टाइम करता है ना ब्लॉगर ब्लॉगर। गेट का ही ले लें फोटो, छोटा सा फोटो ही ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो आप लोग अंदर चले जाइए। यूनिवर्सिटी आए तो थे बट ये लोग ना अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। ये गेट है इस यूनिवर्सिटी का। नालंदा का जो टूर था बहुत शानदार था, जो लास्ट में आपने देखा ना, ये नई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो नालंदा के नाम से, जो बहुत छोटी थी पहले शहर के अंदर, राजगीर शहर के अंदर, अब ये बाहर बन रही है, जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसका हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, जो 2014 से हमें अंदर जाने की बहुत कोशिश की और उन लोगों ने अंदर जाने, उनको अंदर जाने दिया नहीं। मुझे लगता है अंदर कुछ था नहीं, शायद अभी तक कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, इस वजह से किसी को भी अंदर जाने नहीं देते हैं वो। तो देखते तो मज़ा आता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और अभी हम लोग है ना इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बहुत लंबा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको राजगीर का बहुत शानदार सा लेक दिखाने वाले हैं, जहाँ बुद्ध की स्टैचू लगी है, बहुत ही शानदार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।